Hey everyone, welcome to the teacher's journey. आज हम सॉल्व करने वाले हैं CTET 2019 दिसंबर में एग्जाम हुआ था CTET पेपर 1 का सेट ए, इसके मैथ्स पैडागॉजी के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पैडागॉजीज फ्रॉम नंबर 41. कक्षा 11 की छात्रों को 44:44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा. अध्यापक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे? 44 यानी कि 44 को कुछ बच्चों ने 404 लिख दिया तो हम क्या करेंगे, उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे या फिर मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज समझाएंगे कंक्रीट मटेरियल की मदद से, या फिर उन्हें उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है या उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे. तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2. हम उन्हें प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज समझाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन यानी कि मैपिंग जो इंट्रोड्यूस करते हैं उसका जो है क्या पर्पज़ होता है? त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, स्पेशल थिंकिंग को प्रमोट करना. जहाँ पर भी स्पेशल थिंकिंग की बात की जाएगी ये हमेशा करेक्ट ही आंसर होने वाला है मैथ्स में क्योंकि ये अच्छा होता है. अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, विषय को सरल और रुचिकर बनाना और संख्याओं की नीरसता को समाप्त करना. सो, जिसमें ए ऑप्शन नहीं है वो तो पहले ही हमारा रॉन्ग होने वाला है. तो अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना ये तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अनुपात जो है हमारा रेशियो वो वैसे भी मैथ्स में प्राइमरी लेवल पर नहीं होगा. सरल और रुचिकर बनाना या फिर नीरसता को समाप्त करना में से जो करेक्ट आंसर है वो है सी वाला. तो ए और सी इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, NCF 2005 के अनुसार कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है यानी कि कौन सा टॉपिक प्राइमरी लेवल पर नहीं पढ़ाया जाता है? चौपर, टाइलिंग, सममिति, प्रतिरूप या फिर अनुपात. तो अभी मैंने जैसा कि बताया था अनुपात, रेशियो ये प्राइमरी लेवल पर नहीं पढ़ाया जाता है. तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? हमें TLM का यूज़ करना है. TLM की मदद से हमें ये बताना है कि दो डिफरेंट टाइप के जो हैं डिफरेंट डायमेंशन के रेक्टेंगल हैं वो सेम हैं, उनका क्षेत्रफल समान भी हो सकता है. तो हम किसका यूज़ करेंगे? पैमाने का तो हम प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे. ग्राफ पेपर का, धागा या फिर टाइल, धागे की मदद से हम कैसे बताएंगे इसमें? तो टाइल के क्वेश्चंस होते हैं, टाइल का हम यूज़ कर सकते हैं और ग्राफ पेपर, क्योंकि ग्राफ पेपर में जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं इस तरह से तो उनका यूज़ हम करके बता सकते हैं. तो बी और डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है यानी कि ऑप्शन नंबर 2, बी और डी. नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? अब गणित में उपलब्धि कम होने का कारण जो है ये जो फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है जेंडर, ये जेंडर तो कहीं पर भी नहीं होगा क्योंकि जेंडर बायसनेस आ जाएगी, यहाँ पर जेंडर तो नहीं होगा इसमें. सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि ये भी नहीं होगा क्योंकि कल्चरल सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड को हम नहीं कह सकते कि मैथमेटिक्स में अचीवमेंट इस वजह से नहीं है. गणित का स्वरूप या फिर व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, इन दोनों में ऑप्शन 3 और 4 में से जो सबसे जो सही इसका ऑप्शन होगा वो होगा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स. व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता अगर हम इसमें टिक करेंगे तो व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता के हिसाब से तो कोई गणित सीख ही नहीं पाएगा या फिर उसकी वीक होगी. तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स ये इसका करेक्ट यहाँ पर इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हम इसको देख सकते हैं इसका जो है वो आप जब NCF पढ़ेंगे तो NCF में देखेंगे गणित का स्वरूप नेचर ऑफ मैथमेटिक्स. NCF में बताया गया है कि मैथमेटिक्स में नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के हिसाब से भी बच्चे जो हैं वो मैथ्स कम पढ़ते हैं. नेक्स्ट, यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? LCM मेथड, पेपर स्ट्रिप्स, डाइनिस ब्लॉक्स या फिर यूजिंग नंबर चार्ट. तो इसका करेक्ट आंसर है डाइनिस बॉक्स का, ब्लॉक्स का प्रयोग करेंगे. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है.
नेक्स्ट 47, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना, पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान। तो लेसन प्लान जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है या उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? क्यों? क्योंकि पाठ्यक्रम के अनुक्रम का अनुसरण करती है, यानी कि सीक्वेंस में होता है इसीलिए, या फिर उसे हमें स्ट्रक्चरल मैनर में हम प्रस्तुत करते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में प्रस्तुत करते हैं इसीलिए, या फिर उससे स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन की, या फिर क्रियाकलापों को लिखना होता है और इन संदर्भ में प्रश्न देने होते हैं इसलिए। तो हमेशा जो है लेसन प्लान वो किस लिए बनाया जाता है? क्योंकि उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ एम होते हैं, जिससे बच्चों को ये अवसर मिले कि वो अपनी संकल्पना का संरचना कर सकें, यानी कि कंस्ट्रक्ट कर सकें और उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 48, निम्नलिखित में से किसे संरचनावादी या संरचनात्मक गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम क्या नहीं होगा, जहां भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है, अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया या फिर मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं, या फिर प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषयपरक प्रकार की परीक्षा का प्रयोग किया जाता है, या फिर गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच में संबंधों को उजागर किया जाता है? तो कौन सा इसमें से लक्षण नहीं होगा? ये तो सारे लक्षण होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे, पर ये जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ये इसका जो है ये एक संरचनात्मक या गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं होगा। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो ये है। नेक्स्ट 49, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है, गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, गणित पूर्णतया विषय परक है, या फिर मानस दर्शन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो देख लेते हैं एक बार इंग्लिश में भी कि मैथमेटिक्स इज अबाउट लर्निंग फैक्ट्स। इसमें से कौन सा मतलब रचनावादी दृष्टिकोण हमें बताना है, कंस्ट्रक्टिव व्यू बताना है? तो मैथमेटिकल्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रूथ, ये तो नहीं है इसमें। मैथमेटिकल एंटायरली ऑब्जेक्टिव, ये भी नहीं है। विजुलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, ये यहाँ से भी हो सकता है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जब आप NCF पढ़ेंगे तो NCF से इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो उसमें बताया गया है कि विजुलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है मैथमेटिक्स का। 50 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द बेस्ट सुटेड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग अमंग चिल्ड्रन। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पर बात की गई है, क्या बताएगा स्पेशल अंडरस्टैंडिंग यानी कि त्रिविम समझ? ये त्रिविम 3D नहीं है, ये त्रिविम स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है। इसमें बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना ये नहीं आएगा क्योंकि 3D में आता है। मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारित करना, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना ये भी नहीं आएगा, और संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना ये भी नहीं आएगा, यानी कि ये आ जाएगा। इसमें स्पेस से रिलेटेड है, समय तो नहीं आएगा, तो ये जगह से रिलेटेड है, इसलिए स्पेशल एक्टिविटी में यही आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 51, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली होता है, विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है, या फिर विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है? तो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का जो है वो असर उसकी परफॉर्मेंस पर नहीं होता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आंसर की में जो कुछ आंसर्स इसमें डिफरेंट दिए गए हैं, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से और वेरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एंड आपके क्या आंसर्स हैं, नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट 52, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, तो मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? यहाँ पर इस प्रश्न में क्या हो रहा है? तुलनात्मक जमा यानी कि कंपैरिजन एडिशन हो रहा है, कंपैरिजन सब्सट्रैक्शन हो रहा है, टेक वे एडिशन हो रहा है, फिर टेक वे सब्सट्रैक्शन। तो साफ साफ इसमें दिख रहा है तुलनात्मक जमा इसमें हो रही है, घटा की तो बात ही नहीं आई है, और ये वैकल्पिक इनकी भी बात इसमें नहीं आई है। नेक्स्ट,
हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नॉट ट्रू ऑफ द हिंदू अरबिक सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन। एक, संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, योगात्मक प्रकृति का है और आधार टू प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, गुणात्मक प्रकृति का है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सही नहीं है, आधार टू प्रणाली ये नहीं होता है इसमें। 54, प्राथमिक स्तर पर हमें पढ़ाना है ज्योमेट्री, तो हम किस चीज़ का यूज़ सबसे ज़्यादा करेंगे या क्या किस प्रोसेस को हम लेंगे? प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक ही सीमित रखेंगे। अब ये सीमित रखने की बात आ जा रही है, जहाँ पे सीमित की बात आएगी ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा आपका। अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए, उदाहरण दिखाने चाहिए। चलिए इसको देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 को। थर्ड है, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने वाले चाहिए कि वो दिक् स्थान की अंतर्दृष्टि समझ सकें। या फिर प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सो 54 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? जहाँ पर बात आ रही है अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करने की, जहाँ पर बात आ रही है इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग की, तो ये 3 वाला करेक्ट आंसर है। 55 और लास्ट क्वेश्चन पैडागॉजी का इस पेपर से, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तंकड़ा का सूचन है? गणितीय तंकड़ा मीन्स होता है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग किससे इंडिकेट हो रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है मैथमेटिकल रीजनिंग को? इसमें से ऑप्शन, क्या परिभाषा देने की क्षमता? नो, डेफिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं। गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता, परिकलन में निपुणता की क्षमता, या फिर रिकॉल करने की क्षमता फॉर्मूलेज को? तो ये रिकॉल वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एबिलिटी को कैलकुलेट इफिशियंसी, ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा, जो कि है जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर। किसी भी चीज़ को हम फॉर्मूले को प्रूफ वगैरह करते हैं, तो वो उसमें क्षमता होनी चाहिए, प्रूफ करने की क्षमता, उसका जस्टिफिकेशन करने की। तो यहीं पर होते हैं ये हमारे इस पेपर के साथ पैडागॉजी, इस पेपर की कंप्लीट। एंड नेक्स्ट में हम लेकर के आएंगे मोर पैडागॉजी क्वेश्चन, सीडीपी क्वेश्चन सीरीज। जुड़े रहिए हमारे साथ एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा प्रैक्टिस सेट चाहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।